छाड़ मन हर बेमुखन को संग, कहाँ पिए पै पान पै आए बिख नहीं तजत भयंग। खर को कहाँ अर्गजा लेपन, मरकट भूखत अंग, सूरदास प्रभकारी कमरिया चढ़त न दूसर रंग। तो मैं जो अर्ज कर रहा सी, ये नेत्रहीन सी, अखा नहीं सन, संसार नू वेखण दे सफल नहीं होया, निरंकार नू वेखण दे सफल होया। निरंकार विखाई देंदा है तीजी अख नाल, तीजा नेत्र, उन्हों अनुभव प्रकाश कहिंदे ने। इसे वास्ते भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मंग करते ने, या इलाही चश्मे भी ना ए बिदे, दर शरम अज इश्के सौदा ए बिदे। ए मेरे इलाही, ओ अखां दे जो परमात्मा नु वेख सकदियां ने, ये पदार्थ वेखदियां, परिवार नु वेखदियां, संसार नु वेखदियां। या इलाही चश्मे भी ना ए बिदे, दर शरम अज इश्के सौदा ए बिदे। सिर देच प्यार ऐसा दे मैनू, एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दो तरह के मनुखां दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता, एक पागल दा, एक संत दा, दोवें समाज दा हिस्सा नहीं बनते। महाराज गुरु अमरदास जी कहिंदे ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना, नहीं जोड़ जुड़ता। पागल दी जिंदगी ते पागल दे बोल इतने नीवे ने, इतने नीवे ने, पैरां दे थलों निकलते हैं। संत दे बोल इतने उच्चे ने, इतने उच्चे ने, सिर दे उपरों जांदे ने। दोहां दा तालमेल नहीं बैठता। इस वास्ते पागल दे ते लोकी तरस भी खा जांदे ने, भी ठीक कराइए, इलाज करिए। संत काबले कबूल नहीं होए, लोगों के हंकार नू चोट लगती है। तो अक्सर बड़े बड़े अवतारा नू पागल कह दिता गया, दूर क्यों जाओ। गुरु नानक देव जी महाराज आप कहते ने, कोई कहे भूतना को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक विचारा, बया देवाना शाह का नानक बवराना। ये तो नानक पागल हो गया। महाराज कहते लोग इंज कहते हैं, ये भूतना बेदल है, जो सारिया के भूतने उतारण आया, लोग उन्होंने पै कहते भूतना। क्यों? गुरु नानक की तर्ज जिंदगी जगत नाल मेल नहीं खाती सी। एक भी अवतारी पुरश अपने समय देच कबूल नहीं होया। रविंद्र नाथ टैगोर अक्सर कहा करते सन, हर अवतारी पुरश अपने समय तो घट 100 साल पहले पैदा होंदा है। जितनी अगे दी ओ गल आखदा है, अजे समाज उत्थे पहुंचिया नहीं आता, अजे समाज दी उत्थे गति नहीं आती। जद कदी समाज दे कोई कद मनुख उत्थे तक पहुंचता है, उदों अवतारी पुरश आउंदा ने। जद होंदा है समझिया नहीं जांदा, जद किधरे एक कद की समझ बनती है उदों होंदा ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तो साफ कह दिता, ये काया अज है तो कल नहीं, ये शरीर गुरु नहीं है। पहले पातशाह की बाणी है, पमन अस्तंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सौदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। फिर इसनों इंज बयान किया जाता है, प्रकाश दे रूप दे परमात्मा घर है, शब्द दे रूप दे परमात्मा दर है। सो दर के हा सो घर के हा, वो दर केड़ा है परमात्मा का। जित दर वसे कवन दर कहिए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते। हुण मैं फिर दोहरावां, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है।
किसी दे घर जाना है तो पहले तो दर ते पहुंचोगे ना, दर ही खड़काओगे, दर ते दस्तक दोगे। प्रकाश तक पहुंचना है पहले ध्यान सुरत जो है शब्द नाल जोड़ना पड़ेगा, शब्द दरवाजा है। इस वास्ते गुरु नूं कैकी कहिंदे ने, गुरु द्वारा, द्वार दरवाजे नूं कहिंदे ने, गुरु द्वारा। गुरु द्वार है, परमात्मा घर है, गुरु दर है, पर दर घर दे नाल जुड़े हुए है, अलग नहीं है। शब्द ओही दरवाजा है जिस शब्द करके चानना हो जाता है, प्रकाश हो जाता है जेदे जप नाल। इस वास्ते कहिंदे नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई अंतरा नहीं, नाम दो ने। पर सवाल पैदा होंदा है नाम क्यों दो ने? इस वास्ते नाम दो ने, परमात्मा घर है, गुरु दर है। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। जैसे दर दे चो प्रवेश मिलिया ते घर दे जावांगे, सुरत शब्द नाल जोड़ी तां ही चानना होवेगा, उंज नहीं होवेगा, उंज नहीं होवेगा। है कई दिनां दी विचारधारा जिन्हों मैं 5-7 मिनटां च बयान पिया करदा, अगर थोड़ी पकड़ दे आ जाए गुरु ए तन नहीं है, अज है ते कल खत्म। इनू गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस ढंग नाल कहिंदे ने, गुर प्रताप सूरज दे कवि संतोख सिंह जी इंज बयान करदे ने, सतगुर के शरीर है जो, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश होया है, इको ही कथा दरबार साहब के अंदर होई है, उस तो बाद कथा मंजी साहब होंदी रही और भाई गुरदास करते रहे ने। कथा की प्रणाली भाई गुरदास तो चली, कीर्तन की परंपरा मरदाने तो चली, ढाडी प्रसंग अब्दुल्ले तो चले। पहला ढाडी गुरु घर का 6वें पातशाह का अब्दुल्ला सी, और कविया के सिरमौर सन भाई साहब भाई नंद लाल। जिस दिन पहला प्रकाश होया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो संगतां नूं संदेश ते उपदेश देता है वह तुसी सरवण कर लो तो शायद गल पकड़ दे चा जाए। महाराज कहिंदे ने सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दर्शें हैं। ये जो शरीर है ये दर्शन सारी जगह ते नहीं, ये व्यापक भी नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं है वह परमात्मा नहीं है, जो व्यापक नहीं है वह गुरु भी नहीं है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, तो सदा संग ते वो हो सकता है जो गुरु व्यापक है। सदा अंग संगे अभंग अंग बिभूते, परमात्मा सदा संग है। देखो हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं आउंदा, पुत्र नहीं आउंदा, पति नहीं आउंदा, पत्नी नहीं आउंदी, बच्चे नहीं आउंदे, हर वक्त नाल नहीं आउंदे। पर जो हर वक्त नाल नहीं ने, जिन्हां दा साथ कदी कदाई है रो भी वक्ती, उन्हां दी समझ है, उन्हां दी याद है। पर जो सदा संग है ना उहदी समझ ना उहदी याद। सदा अंग संगे अभंग अंग बिभूते, तेह लोकां में शब्द रविया है। व्यापक है प्रकाश दे रूप दे शक्ति दे रूप दे परमात्मा, व्यापक है शब्द दे रूप दे गुरु। परमात्मा तो ही शब्द होया है। वो शब्द की है? जिहड़े उस नूं सुन लैंदे ने वह संत ने, भगत ने। जिहड़े सुन के सुना देंदे ने उन्हां नूं अवतार कोटि च गिणदे ने। ये अवतार भी फिर वख वख कोटियां दे, अंसा अवतार अंस मात्र, दो कला अवतार, चार कला अवतार, अठ कला अवतार, 16 कला अवतार। कला कहिंदे ने हुनर नूं, गुण नूं। उस कला करके पता चलदा है ये इतनी कला रखदा है। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राहीं, परमात्मा दा चानना हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे राहीं, कला दे राहीं। और जिथे परमात्मा प्रगट होया है, हो नहीं सकदा वो मनुख कलाकार ना होवे, जरूर होवेगा, कुछ ना कुछ कला उस दे अंदरों जन्म लवेगी। बाकी दुनिया फिर उस कला की नकल कर दी है ते सीख दी है, लेकिन संत दे अंदरों कला जन्म लेंदी है, क्योंकि परमात्मा कलाकार है।
तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मूरख तुम चतुर से आने, तू सर्व कला का ज्ञाता। एक चित्रकार पहाड़ की तस्वीर बना देवे चित्र, असी कहने कमाल का पेंटर है, इसने बड़ी गजब की पेंटिंग की थी, इहदे हत्थां नूं दाद दे गए, ऐसी सोहनी पहाड़ की तस्वीर बनाई। जिन्हें पहाड़ की तस्वीर बनाई उहदी उपमा पे करदे आ, पर जिन्हें पहाड़ बनाए वह किन्ना वड्डा चित्रकार है। कोई फुल की तस्वीर बना लैंदा है, असी दाद देंदे नहीं थकते, पर जिन्हें फुल खिड़ा दिते वह कितना वड्डा कलाकार है। कोई दरिया ते सागर की तस्वीर बना देवे, असी कहिंदे आ महान चित्रकार है, पर जिसने सागर ही बना दिता वह कितना वड्डा चित्रकार है। कोई साड़ी तस्वीर बना देवे, असी बड़े खुश ते कहने कमाल है, तू ते हू बहु मेरी तस्वीर बना दिती, असी दाद देंदे नहीं थकते, पर जिसने सानू बनाया वह कितना वड्डा चित्रकार है। नैन नक्श उसदे चुनाव ने, उसे ने चुने ने। गुरबाणी ते परमात्मा चित्रकार कहती है, चच्चा रचत चित्र है भारी, बड़ा वड्डा चित्र उसने बनाया संसार। चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चे तो चितकारी। गुरबाणी सानू संदेश पई देख दी दे रही है, चित्र नू वेखो ते चितेरे नू चेते रखो। पर चित्र बचित्र है अवधेरा, तज चितरे चितराख चितेरा। ये अवझेर है, चित्र नूं वेख के मनुख ऐसा वेखण दे चलीन हो जाता है, संसार नूं वेखदा फिर ऐसा वेखण दे चलीन हो जाता है, निरंकार नूं भुल्ली जाता है। परिवार नूं वेखदा, कारोबार नूं वेखदा, संसार नूं वेखदा, ऐसा वेखदा ही सही वेखण दे चलीन हो जाता है, चितेरा भुल जाता है, चितेरा याद नहीं रहिंदा। महाराज कहिंदे ने चित्र है, दाद देव चितेरे नूं, तज चित्रे चितराख चितेरा। पर चित्र बचित्र है अवझेरा, इस चित्र का एक अवझेरा यह है, झगड़ा यह है कि जिहड़ा वेखदा बस वेखदा ही रह जांदा, चितेरे नूं भुल जांदा। परिवार नूं वेखिया तो वेखदा ही रह गया, निरंकार याद ही नहीं आया। संसार नूं वेखिया तो बसलीन ऐसा होया, निरंकार याद ही नहीं आया। जदकि कौन दसे सारा आकार उस तों आया जिदा कोई आकार नहीं, ये सारे रंग उस तो आए ने जिदा कोई रंग नहीं, ये सारे रूप उस तो आए ने जिदा कोई रूप नहीं, और ये सारे रूप उसदे समा जाते हैं जिदा कोई रूप नहीं। चलो एक उदाहरण मैं दे दिया, शायद मोटी गल पकड़ दे चा जाए। एक फुल खिड़िया रंग लैके, रूप लैके, सुगंध लैके, आकार लैके, फिर मुरझा गया, मुरझांदिया रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे गया, रंग उत्थे चला गया जिहदा कोई रंग नहीं। सहजे सहजे इतना सुक गया, रूप भी खो गया, हुण फुल दी तरह नहीं दिखाई देंदा। रूप किथे चला गया, रूप उत्थे चला गया जिहदा कोई रूप नहीं। फिर इतना सुख सड़ गया, आकार भी खो गया, फुल का आकार भी खो गया। ये आकार किथे चला गया, ये आकार उथे चला गया जिदा कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिदा कोई आकार नहीं, और सारा आकार उहदे च लीन हो जाता है जिदा कोई आकार नहीं। एक होर गाथा भी याद आ रही है एथन दी, अजकल तो इस मुल्क नूं ग्रीस कहिंदे ने, लेकिन सिकंदर दे जमाने च इसनों यूनान कहिंदे सन। वक्त दा एक महान दार्शनिक संत सुकरात समुंदर तट तो वापस आ रहे, अपने घर नूं संध्या हो गई है। उन्हां दिनां संपन्न घरानियां च अग बलदी रहिंदी सी 24 घंटे, ते जिन्हां नूं भी लोड़ आउंदी सी संपन्न घरानियां चों मंग के लियांदे सन अग, क्योंकि अग नूं बड़ी मुश्किल नाल पैदा किया जाता सी, पत्थरां नूं रगड़ के, लकड़ां नूं रगड़ के अग पैदा हुंदी सी, बड़ा समा लगदा सी। लोकां दा इतना समा जाया ना होवे, तो हर महल्ले च कोई संपन्न घराना हुंदा सी
जिन्हें अपने दरवाजे तो बाहर ऐसी एक जगह बना रखी होंदी सी जिथे 24 घंटे अग लोगों नूं मयसर हो जाती सी, मिल जाती सी। संध्या हो चुकी सी, एक मासूम बच्चा उस संपन्न घराने च दीवा जला के लिया रहा है अपने घर ले, हाथ दे च उसदे दीवा जा रहे। सुकरात टहलते हुए मिल गए, उन्हें सिर ते हाथ रखिया बच्चे दे, आख्या बेटा दसेंगा ये नूर कितों आया, ये चानना कितों आया। दरअसल सुकरात ये पूछना चाहते सन कि घरों दीवा जला के ले आया, ये नूर कितों आया दसेंगा। बच्चे ने फूका मारिया ते दीवा बुझा दिता, आख्या बाबा दसेंगा ये नूर कित्थे गया, दसेंगा। कहिंदे ने सुकरात उत्थे बिस्माद काफ़ी देर तक खड़ा रहा, कहिंदा है बड़े बड़े ग्रंथां दा अध्ययन कीता है, बड़ी साधना कीती है, यह गल समझ दे च नहीं आई, अज आ गई है। सब कुछ उस तो आउंदा, सारे रंग रूप आकार उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग रूप आकार नहीं। चक्र चैन अर बरन जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत के। कोई आकार हर वक्त मेरे नाल नहीं रह सकता, निराकार रह सकता, सदा अंग संगे अभंग बिबुलते। जिवें मछली दा जन्म ते जीवन ते मरण सागर दे च है, मनुख दी सारी क्रिया जन्म जीवन मरण भज दौड़ परमात्मा दे च है। असी परमात्मा तो वक्ख हो ही नहीं सकते, जैसे सागर तो वक्ख मछली हो ही नहीं सकती, होवेगी तो मर जाएगी, पर वो तो वक्ख हो सकती है, असी नहीं हो सकते, क्यों? सागर भी परमात्मा दे च है, सब कुछ परमात्मा दे च है। इस वास्ते वो व्यापक है, सदा अंग संगे अभंग बिबुलते। ते जद वो व्यापक है तो उहदे नाल जुड़न दा वसीला शब्द है, तो शब्द व्यापक है, किधरे भी जबान नाल उचारण करिए प्रकाश हो जाता है, मनुख जुड़ जाता है। इस वास्ते कहिंदे ने गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु दिल्ली बैठा है या पंजाब के किसी शहर च बैठा है या किसी होर मुल्क च बैठा है, इत्थे विपता पै जाए तो गुरु नू बुलाइए, तो जितनी देर दे वो तैयारी करेगा, ट्रेन या प्लेन पकड़ेगा तो इत्थे तक आएगा। इनू मिर्जा गालिब अपने ढंग नाल बयान करते ने, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है तू देरी नहीं करेगा, पर तेरे आंदे आंदे तक ते असी ते खाक हो जाना है, मिट्टी हो जाना। गुरु रामदास जी कहिंदे ने जिथे हर आराधिए तिथे हर मित साई। किधरे भी आराधना करो, बाजार दे उजाड़ दे घर दे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, किधरे भी उसनु पुकारो मौजूद है। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई, ये समझ कितों पैंदी है? पढ़ के सुन के कतई नहीं, जप के पैंदी है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, किवें जपिए? फिर मैं अर्ज करा, रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। जपना ते जवान नाल ये भोजन ते जबान नाल बनेगा, पर छकिया जाएगा कन्ना नाल। जेको खावे जेको बुनचे, भोजन हथा नाल बनेगा मुंह नाल खादा जाएगा, भजन जबान नाल बनेगा कन्ना नाल छकिया जाएगा। सरवनन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। तुसी अमृत वेले करके देखना, इसनों अमृत वेले कह है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे नाए। जिवें समय के मुताबिक मौसम के मुताबिक बीज बोईए तां ही ढंग नाल जो है प्रफुल्लत होंदे ने। अमृत वेला इनों साढ़े हिंदू वीर कहिंदे ने ब्रह्म मुहूर्त, इनों मुसलमान कहिंदे ने अलल सुबह अल्लाह दी सुबह, इनों गुरमत कहिंदी अमृत वेला। ये समा मदद करता है,
और ये भागा भरा समा रोज आवे। उस वक्त बैठ के मनुख जबान नाल उचारण करे वाहे गुरु यतन करे मन सुने, मन नहीं सुनदा। क्यों? मन बोलदा है। हुण जबान भी बोले ते मन भी बोले फिर सुने कौन? तुसी करके देख लेना। इसे नू महाराज ने कहा आखण औखा साचा नाम। ये इतना औखा है, इतना औखा है। चलो मैं फिर अर्ज कर दें, हर शहर दे चोटी दे धनवान मिलणगे, हर शहर दे वड्डे वड्डे व्यापारी कारोबारी मिलणगे, हर शहर दे साइंटिस्ट भी मिलणगे, राजनीतिक भी मिलणगे, दार्शनिक फिलोसफर कलाकार भी मिलणगे, हर शहर दे भगत नहीं आंदे। भगत एक भी होवे ना सारे शहर की फिजा धार्मिक बन जाती है। कबीर सोमुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। सारा शहर पवित्र हो जाता है। उस भगत दा ओरा उसकी आभा संस्कृति च इन्हों कहने आभा। ऐ सिरां दे कोल भगतां दे जो तुसी रोशनी देखते दे, इन्हों कहने आभा नाम जपण नाल बनती है। वो इन्हां अखां नाल नहीं दिखाई देती, उन्हों कहने दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि, उसनों देखण वाली एक दृष्टि अख। ये जो साड़ियाँ अखां वेखदियाँ पैन करोड़ा गुणा ज़्यादा वेख सकदियाँ। जबान भोजन का रस माण लिए भजन का नहीं, ये कन नाद ते सुन लए ने, अनाहद नाद नूं नहीं सुन रहे जो परमात्मा की आवाज़ है। कारण कहिंदे ने साड़ा मन सिर्फ एक हिस्सा जो है जागया, नौ हिस्से सुते पैण। इहदे जागदियाँ शक्तियाँ वधदियाँ ने, शक्तियाँ जागदियाँ ने। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप वाहेगुरु नू सुनाण वास्ते नहीं है, अपने मन नू जगाण वास्ते। इनू योगी खास करके योगियां दे जन्मदाते पतंजलि कहिंदे ने इहदे नाल कुंडलनी जागदी है। भगत कहिंदे ने इहदे नाल सुरत जागदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती है इहदे नाल सुत्ता होया मन जागदा। गल इक्को ही है, जरा वक वक ढंग नाल आखी दे। नाम जपदियां अंदर एक अगन जो है पैदा होंदी है, वह सारे अवगुणा नूं ते पापा नूं साड़ के बसम कर देंदी है। उन्हों कबीर ने ब्रह्म अग्न आख्या है। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक चोट सिदाया, गुरु ग्रंथ साहब की बाण। इनू गुरु नानक नाम अगन कहते हैं, इनू पतंजलि योगा अगन कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ लो, दो ते दो दा योग करो, जोड़ करो या भाग करो। भाग करने वाले इनू कहते हैं भोगी, जो अपने मन के टुकड़े टुकड़े करे उन्हू कहते हैं भोगी, जो अपने मन नू प्रभु शब्द नाल जुड़ना गुरु नाल जुड़ना है, तो गुरु रूप है परमात्मा का। किहड़े शब्द नाल जुड़ना है जो परमात्मा तो आया है? चलो ये ते मैं दो मिनट लावा। अहले इस्लाम कहिंदा है कि कुरान ए सिद्धी खुदा तो नाजल होई है, अलहाम होया है, मुहम्मद साहब ने उच्चारण नहीं की थी, खुदा तो आई है। इस हिसाब नाल देखिए मुहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, दो वरिया दे सन ते प्यो गुजर गया, चार साल दे होए माँ गुजर गई, चाचे ने पालिया अबू तालब ने। मुहम्मद साहब बचपन दे यतीम रह गए सन। इन्हां दी पालना पोषणा अबू तालब ने कीती है, ते अबू तालब आखिरी दम तक कहिंदा रहा मैं मुसलमान नहीं बनना, तू गलत है। अपने भतीजे नू गलत कहिंदा रहा। और मुहम्मद साहब कहिंदे रहे तुसी पिता बन के मेरी पालना पोषणा कीती है, थोड़े ते मैनू तरस बड़ा आंदा है, मैं जो कुछ कह रहा है ये खुदा कहिंदा है। पर अबू तालब कहिंदा सी जो कुछ कह रहा है मेरा भतीजा कहिंदा, कोई खुदा नहीं कहिंदा। इस वास्ते आम कहिंदे ने अवतारी पुरशां तो संत पुरशां तो एक ते लंगोटिए यार लाभ नहीं उठांदे, एक शरीक लाभ नहीं उठांदे,
एक शहर वासी लाभ नहीं उठाते, इंज कहते हैं। एक कहावत प्रचलित है, कहते ने जद ये अलहाम प्रगट होया कुरान दियां आयतां पहले दिन, इन्हां दी बेगम हज़रत खदीजा जो उम्र दे मुहम्मद साहब नालों 15 साल वड्डी सी और काफ़ी पढ़ी लिखी सी, एक धनाढ़ औरत सी। मुहम्मद साहब पहले उसके मुलाजम सन, उन्हां दा समान बेचण जांदे हुंदे सन, बसरे लै जाना, बगदाद लै जाना, दमश्क लै जाना, ये उस धनाढ़ इस्त्री का सारा साजो समान बेचते आते सन। वो बहुत वड्डी व्यापारी सी, पाई पाई का यह हिसाब दे देंदे सन, ईमानदारी नाल जो तनख्वाह मिलती सी उसे ते अपने गुजारा करते सन। मालिक ते नौकर का यह रिश्ता बाद दे पति पत्नी दे तब्दील होया, और ये खदीजा उम्र दे 15 साल मुहम्मद साहब नालों वड्डी सी, पहली पत्नी। लेकिन सियाणी बहुत सूझवान बड़ी सी, परमात्मा ने जिथे धन दौलत दिती सी होर ऐशो आराम दिता सी, उत्थे प्रभु ने पिछले संस्कारां करके कोई समझ भी दिती सी। मुहम्मद साहब नूं कहण लगे, हज़रत बुरा ना मनाओ, ये बोल थोड़े नहीं हो सकते जो थोड़े कंठ तो निकल रहे हैं, कुरान दी आयतां निकल रही सन। और बड़े वजद विच मुहम्मद साहब अलाप कर रहे सन। खदीजा कहती है, ये बोल थोड़े नहीं ने, मैं नहीं मनती, तुसी ते अनपढ़ो, इहदे च काफिया भी है, इहदे च रदीफ भी है, इहदे च मात्रा की बंदिश भी है, इहदे शायरी है, पोइट्री है, तुसी अनपढ़ो। पता है मुहम्मद साहब ने की आखे, खदीजा तू ठीक वाचिया, मुहम्मद ते चुप कर गया, हुण मुहम्मद हमेशा ले ही चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोलता है, मैनू भी नहीं पता। और विश्वास कीता, भरोसा कीता खदीजा ने, कहना हाँ ये खुदा ही बोल सकता है, तुसी नहीं बोल सकते। इस वास्ते अहले इस्लाम दे पहले मुसलमान इंज कहिंदे ने, मुहम्मद साहब की पत्नी, जिमें इतिहासकार कहते हैं पहला सिख बेबे नानकी जिसने हर हालत दे गुरु नानक ते भरोसा रखे, भावना ज्यादा होंगी, भावुकता ज्यादा होंगी है। आप सुन के हैरान हो गए, पहला बोध भिक्षु कौन बनया, सुजाता बनी, उन्हें महात्मा बुद्ध च विश्वास लिया, हैरानगी हुई है मैनू इस तरह का इतिहास देख के। और हज़रत ईसा दे सब तो पहले विश्वास लिया एक वैश्या ने, गनका ने, उस तो गल चली। खैर ये पन्ने मैं थोड़े सामने किसी वक्त जो है फिर रखांगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, हो आपो बोल न जानदा, हो कहा सब हुक्माओ जी, मैं ते बोल न जानदा ही नहीं, मैं ते चुप कर गया, फिर इतने सारे बोल एक ही ने, इत जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस नुंज कहते हैं, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, अकाल पुरख दे बचन मैं कीट दे प्रति, ये मेरे बचन नहीं ने, जो निज प्रभु मो सो कहा सो कहो जग माए, जो प्रभु ने आख्या मैं सुनया मैं जगत नू कह रहा। एक भी अवतारी पुरुष ने इस तरह नहीं आख्या मेरे ही बोलने, एक ने भी नहीं आख्या। वो कहिंदे ने मैं ते चुप कर गया, पता नहीं प्रभु की बोलदा है। कभी कभी कुछ थोड़े जिहा संत कवि जिहड़े हुंदे ने उन्हें दे अंदर भी इस तरह की घटना कभी कभी घटती है, जिवें अंधेरी रात विच बदलों विच कभी कभी कोई बिजली चमक जाती है, इस तरह कवियों च भी हो जाता है। इस तरह के कवियों विच तीन कवि बड़े सिरमौर ने, उर्दू फारसी के कवि डॉक्टर मुहम्मद इकबाल, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, हिंदी ब्रिज संस्कृत ते बंगाली दे संत कवि रविंद्र नाथ टैगोर। ये तीनों एको ही समय होए ने और एको ही श्रेणी दे सन, भाव मानसिक अवस्था तिना दी एको ही सी, तिना दे अंदर कदी कदी कुछ चमक पैदा हो जाती सी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਟੈਗੋਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਸ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਟਲਾਓ, ਟਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਜਗਿਆਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਨਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। ਮਨ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਚੇਤ ਨੇ, ਦੂਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਗ ਇਸਦਾ ਜਾਗਿਆ ਤੋ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾਨੀ, ਸੱਸ, ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ, ਭਾਣਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਅਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਆਏਗਾ ਸਮਝ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਮ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਅਜੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਦ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ।
ਇਹ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਸਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੇ ਰਸਨਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਰਸ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੇ ਨਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਦੌੜੇ। ਜਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿ, ਅਤੇ ਜਪ ਦੇ 'ਚ ਸਰੋਤ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਸੋ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਥੇ ਨ ਜਾਈ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੈਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਨੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਟਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, 100 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ 100 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, 1000 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 1000 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਮਰਦਾ ਹੈ, 1000 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੰਤਾਪਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਪ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ,
एक बुढ़ा सारा दिन भी करे इतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा इतना बेचैन नहीं है। बच्चे तो ज्यादा बेचैन है जवान, तो जवान नालों ज्यादा व्याकुल है बुढ़ा। उम्र के वध्या इच्छावां वध जांदियां। इस चक्कर च ना पैना कि उम्र के वध्या मनुख का हिरदा शुद्ध हो जाता है, गुरबाणी नहीं मनती। उम्र के वध्या होर मैल वध जांदी है। चलो पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख देवां। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे छेक हजार, बेड़ा तो जर्जरा हो गया, बेड़ी तो पुरानी हो गई, तो छिद्र हजारा हो गए। देखो बेड़ी दे एक छिद्र होवे, एक सुराख, बेड़ी डुबेगी, लाजमी डुबेगी। कवि रहीम ने इसनों बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान किया, मैं समाप्ति करन लगा। वो कहिंदा है पानी तो बिना बेड़ी चल नहीं सकती, पर पानी तो बिना डुब भी नहीं सकती, डुब भी नहीं सकती, डुबेगी भी पानी। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। रहीम कहिंदे बेड़ी पानी दे च रहनी चाहिए है ताकि चलती रहे, पानी बेड़ी दे च नहीं होना चाहिए नहीं तो डुब जाएगी, डुब जाएगी। छिद्र एक भी होवे बेड़ी डुबेगी। फूटे छेक हजार कबीर बेड़ा जर्जरा, बेड़ी ते बुढ़ी हो गई, जर्जरी हो गई जिंदगी की नौका, ते बुढ़ी हो गई मनुख, ते बुढ़ा हो गया। कबीर कहिंदे ने छिद्र हजारा, गुस्ताखी माफ। उम्र दे वध्या लोभ वध जांदा है, उम्र दे वध्या अहंकार वध जांदा है, उम्र दे वध्या वासना भी वध जांदी है, ऐसा कबीर कह रहा है। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब के बहुत सारे शब्द, इक्को ही शब्द मैं थोड़े सामने रखे। उम्र दे वध्या जद लोभ वध्दा है तो लोभ ही तो भ्रष्ट करता है, काम ही तो भ्रष्ट करता है, अहंकार ही तो भ्रष्ट करता है। इस वास्ते बुढ़े च छिद्र ज्यादा होंदे ने, गुटका उसके हाथ च आंदा, मत्थे ते वट पे आते हैं, सिर ढा के बैठा होंदा है, नहीं जुड़ता उसका मन, इन्ने छिद्र इन्ना पानी आ जाता है, बेड़ी दे डुबदी है। महाराज तो कहिंदे ने हम देखां ते डुबे आले, मैं तो देखदा डुबे पे ने, जबकि संसार डुबदा नहीं है, पानी भी डुबदा नहीं है। देखो कुत्ते तैरते ने, घोड़े तैरते ने, पंजाब कदी देखोगे दरियावां विच मझां तैरदियां ने, मझां ते बैठ के किसान पार हो जांदे ने, दरिया मझां तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, कुत्ते तैरते ने, शेर भी तैर तैर के लंघ जांदे ने, बंदे डुबदे ने, मनुख डुबदे ने। क्या पानी दा बंदियां नाल वैर है? घोड़े ते तैरदे ने, मझां ते तैरदियां ने, गवां ते तैरदियां ने, कुत्ते ते तैरदे ने, शेर ते तैरदे ने, लंघ जांदे ने, बिल्लियां भी तैरदियां ने, बस बंदा ही डुबदा है, मनुख ही डुबदा है। क्यों? पानी दा मनुख नाल वैर है? कतई ही नहीं। मनुख डुबदा जिंदा डुबदा मुरदे ते तैरदे ने, लाशां ते तैरदियां ने, देखिया होना तुसीं जरूर। साढ़े देश दे खास करके यूपी दे संत दे शरीर दा दाह संस्कार नहीं करते, पानी च डुबदे ने, जल प्रवाह करते हैं, पर लाश तैरन ना पर लग पवे नाल पत्थर बनते ने वड्डे वड्डे ताकि लाश डुब जाए, हद हो गई, जींदा बंदा तो आपे ही डुब जाता है, पत्थर बनने की लोड़ ही नहीं, मुरदे नाल पत्थर बनो, ऐसा क्यों है? जबकि लाश वजनी हो जाती है, भारी हो जाती है, लाश तो डुबनी चाहिए है, लाश नहीं डुबती। जीवदा मनुख डुबदा है, क्यों? जीवदा जागदा मनुख अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, भय करके उहदा संतुलन खो जाता है, तवाजन खो जाता है, बैलेंस दे बिगड़दिया ही डुब जाता है। ये संसार नहीं डुबदा, परिवार नहीं डुबदा, सारे अवतारी पुरश परिवारों वाले सन, सारे अवतारी पुरश अपने समय च कारोबार भी करते रहे। धन गुरु नानक नौजवान सन ते मोदी खाना चलाते रहे, बिरद होए ते करतारपुर दे हल चलाने लग पे, आखिया मैं धंधा नहीं छड़िया, राजपाठ आखिरी समय तक जनक ने चलाया नहीं छोड़िया। पर भाई गुरुदास कहिंदे ने भगत वड्डा राजा, जनक है गुरमुख माया विच उदासी। कारोबार मनुख नूं नहीं डुबदा, परिवार भी नहीं डुबदा, पदार्थ भी नहीं डुबदे, मनुख अपना बैलेंस खो बैठता है,
सीमा तो वधिया होया लोभ, सीमा तो वधिया होया काम, सीमा तो वधिया होया हंकार, मनुख का बैलेंस बिगाड़ देता है, डुब जाता है। तो महाराज कहें हम देखा तें डुबे हले, मैं ते देखदा डुबे पैने। डुबे की पहचान की होगी? उदा अमृत वेला डुब गया होगा, ये डुबे की पहचान। उदा नितनेम डुब गया होगा, उदी रहत बैत डुब गई होगी। उदा गुरमंत्र दा जब डुबे डुब गया होगा, ये डुबे की पहचान, डुबे की पहचान। सिखी स्वरूप डुब गया होगा, रहत बैत डुब गई होगी, नितनेम डुब गया होगा, अमृत वेला डुब गया होगा। महाराज कहिंदे ने हम देखां तें डुबे हले, मैं देखदा सब डुबे पैण, सब डुबे पैण। जदके संसार नहीं डुबदा, जैसे जैसे मनुख जप करदा है और सुनदा जाए, मन जागदा जाएगा, जागदा जाएगा, पूरा जाग गया ते परमात्मा हो जाएगा। ये अभ्यास तुसी कल तो सवेरे करना, तां मैं समझांगा एक कथा कीर्तन सुनिया होया ते कीता होया सफल हो गया। रोटी खाना साडा कम है, खाधी हुई रोटी खून बने साडा कम नहीं है, ये साडे हाथ च नहीं, ये परमात्मा का नियम अंदर उसनों खून बनांदा है। ऐसे भी रोगी ने हजारां च कोई कद होंदा है, खांदे ते बहुत कुछ ने खून नहीं बनांदा। ऐसे भी भयंकर मानसिक रोग भी ने बाणी ते बहुत पढ़ते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु ते बड़ा जपते ने, रस नहीं बनता, समाधि नहीं बनती। भोजन छकना साडा कम है, खून बनाना प्रभु का कम है। वाहेगुरु मंत्र जपना साडा कम है, मन टिक जाए ते समाधि लीन हो जाइए, प्रभु का कम है, साडा नहीं। अपना कम असी आप करिए, रब अपना कम करेगा। इस चक्कर च ना पाओ, मन नहीं टिकता, मन नहीं टिकता। तुसी आखो एक हुण रोटी खाधी है, खून ते बनया नहीं, बनया ही नहीं, बनेगा, समा लगेगा, वक्त लगेगा, इहदी चिंता ही ना करो। रोटी कमाण दी, पकाण दी ते खाण दी चिंता करो, खून रब बनाएगा। तुसी अमृत वेले उठण दी चिंता करो, वाहिगुरु मंत्र जपण दी चिंता करो। पर मैं ये पंक्तियां भी थोड़े सामने रखदा, एक तिल नहीं बनने काले, एक तिल जन्नी भी कालना थोड़ी व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ खेड बनेंगे। मैं दो तीन अभ्यासी अनमत दे देखे, उन्होंने किधरे बहुत सारे मंत्रां दा जप किया सी, वो मैनू कहन लगे दो मंत्र नाभि नू बहुत छेती खोलदे ने, सुते हुए मन नू बहुते छेती जगांदे ने। मैं कहा किहड़े दो मंत्र? कहिंदे नवें अवतारी पुरशां ने, नवें धर्म ने जिहड़े ईजाद कीते ने, क्योंकि रोज़ रोज़ जिथे बाहर का विकास होया, अंदर की दुनिया का भी विकास होया। मैं कह नवें धर्म तो फिर इस्लाम है तो सिख धर्म, मिडल ईस्ट दे सब तो पुराना धर्म है यहूदी, 3500 साल पुराना, 2000 साल पुराने ईसाई ने, 1500 साल पुराने पारसी ने, 1400 साल पुराना धर्म है इस्लाम। साडे देश दे पुराना धर्म है सनातन मत, गालबन 5000 साल पुराना, 2500 साल पुराना धर्म है बौद्ध ते जैन, ते सिर्फ 500 साल पुराना है सिख धर्म। मैं कहा नवे धर्म ते ए दो ही ने, सिख ते इस्लाम। कहिंदे इन्हां दोहां दे मंत्र नाभी ते चोट बड़ी कर देन, अल्लाह हो कहिंदे हो करदे आ, नाभी ते चोट ज्यादा पैंदी है, मन छेती जागदा है, वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे दे नाल भी नाभी ते चोट ज्यादा पैंदी। मैं कि तुसी जप के देखे? कहिंदा मैं बथेरे मंत्र जप के देख। कहिंदा मैं स्टडी कर रहा सी मंत्रां दी ते ध्यान साधना, और जितना ध्यान मेरा छेती जुड़िया वाहेगुरु मंत्र देच या अल्लाह हो देच, निष्पक्ष होकर गल करनी चाहिए। कहन लगे इन्हां अवतारां ने लगता है पिछले मंत्रां दी स्टडी जरूर की सी, तो आप दी गल ज्ञातली अर्ज कराए कि थोड़ी खुशकिस्मती है गुरु नानक ने मंत्र सानू दिता है। अमृत वेले बैठ के सिर्फ 15 मिनट, रोटी खाने दे कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, सारा दिन भुख नहीं लगती। जिथे तक मेरा अंदाजा है 15 मिनट का कीता होया जप 24 घंटे आनंद बनाई रखेगा, रस बनाई रखेगा। और एक दफा यही जप अजपा जाप बन गया,
भाव खादा होया भोजन खून बन गया, फिर थानू जबान नाल जपण की लोड़ नहीं पेगी, फिर ते हालत ए बन जाएगी, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा सतगुरु थानू ये करण की तौफीक बख्शे, हिम्मत बख्शे, जो सतगुरु ने मैनू प्रेरिया इन्हां दो चार हाजरियां थोड़े सामने विचारा रखिया ने, तुसी बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल सरवण कीता है, बार बार सारियां दा ते मुखी सज्जन दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बोल चुक दी शमा दास दी फतेह प्रवान करने, वाहेगुरु जी का खालसा।